सो फ्रेंड देख सकते हैं Realme 2 है और इसमें पिन लॉक लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका Realme 2 का जो है विदाउट पीसी पिन अनलॉक करेंगे। और आपके पास यदि Realme का कोई भी फ़ोन है तो आप लोग घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इमरजेंसी मोड में आए हैं, यहाँ पे कोड डायल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कोड भी नहीं लेता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मैं इसका मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ कैमरा में चेक करके। तो यदि आपके फ़ोन में लॉक हो गया है पैटर्न पिन पासवर्ड, Realme का भी फ़ोन यूज़ करते हो तो किस तरह से इसे अनलॉक करना है, तो यह मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया देख सकते हो। और इसका हम जो है डिटेल में चलेंगे, यहाँ पे हम इस फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके आई बटन पे चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं Realme 2 है और इसे किस तरह से अब जो है रीसेट किया जाएगा ताकि इसका जो है पैटर्न पिन पासवर्ड निकल जाए। ऐसे तो ये जो है पीसी के थ्रू होता है लेकिन हम इसे विदाउट पीसी करके आपको दिखाएंगे। तो विदाउट पीसी का कुछ मेथड है, आप लोग को जो है किस तरह से करना है, फ़ोन को पहले सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, खुल जाता है तो ठीक है, नहीं खुलता है तो आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के लिए आपको अपने पावर की का हेल्प लेना है और इस तरह से आप लोग ऑफ कर दोगे। आप देखिए मैंने दोबारा कोड टाइप किया तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए हम अपने फ़ोन को फटाफट स्विच ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस फ़ोन का जो है पावर ऑफ की दबा दिए हैं और ये ऑफ हो गया। तो Realme 2 है देख सकते हैं, और इसे मैंने अभी जो है कल ही डिस्प्ले इसका लगाया था और फाइनली इसमें लॉक है। अभी कस्टमर बोल रहे हैं तो हमारा इसका पैटर्न जो है पिन अनलॉक कर दीजिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे वॉल्यूम डाउन की और पावर की एक साथ प्रेस करके रखा है, इसके बाद इसकी रिकवरी मोड ऑन हो जाएगी। वॉल्यूम डाउन और पावर की आपको एक साथ प्रेस करके रखना है। तो इस तरह से इससे जो है आप रीसेट करने के लिए रिकवरी मोड में ले जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश आ चुका है, यहाँ पे हम लोग वाइप डाटा पे क्लिक करेंगे। वाइप डाटा ऑप्शन में यहाँ पे कोड जनरेट हो गया है, यही आपको चाहिए, एक कोड के बगैर आपका फ़ोन रीसेट नहीं हो सकता। तो इसे जो है आप लोग को लाने के लिए कई बार आपको फ़ोन को जो है पैटर्न पिन को ड्रॉ करेंगे तो आपको एक कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोड को डालते ही हमारा फ़ोन फॉर्मेट होने लगा है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट करने के बाद अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो और आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा वो तो यूज़ हो ही जाएगा और आपका जो डाटा लॉस होगा। और इसके लिए आपको कोई उपाय नहीं, नहीं तो सैमसंग में अभी ट्रिक आ चुके हैं, सैमसंग के टूल आ चुके हैं जिससे आप लोग अपना बैकअप ले सकते हो। लेकिन Realme में ऐसा तो नहीं है मुझे किसी टूल के बारे में पता जिससे आप अपने डाटा का बैकअप ले सको। तो यहाँ पर ये वेट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है और ये फ़ोन फॉर्मेटिंग हो चुका है कम्प्लीटली और वेट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग भी यदि करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे आप लोग को फ़ोन से रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाती है तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरा टेलीकॉम शॉप 2 है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन कोलकाता। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया है, तो ये हो चुका है कम्प्लीट। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आप लोग को यहाँ पर काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है। और यहाँ पर देखिए मैं दोबारा एक बार जो है वाइप डाटा और फॉर्मेट पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ये कोड वर्क नहीं किया, फिर से फाइनली दोबारा टाइप कर देता हूँ, अब ये फॉर्मेट पे क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे जो भी इसका जो है सिस्टम डाटा वो भी इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इरेज होने लगा और ये कम्प्लीटली इरेज हो गया। तो ये फाइनली वाइप डाटा हो चुका है। और इस तरह से आप अपने फ़ोन का जो भी डाटा पैटर्न पिन पासवर्ड है उसे निकाल सकते हो, काफ़ी ईजी ये घर बैठे काम कर सकते हो। फॉर्मेटिंग कंप्लीट है और वीडियो देख सकते हो चुका है फोन फॉर्मेट। और भी किसी टूल के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उस टूल के ऊपर भी आप लोग को वीडियो बना के दूँ और आप लोग भी घर बैठे फ़ोन को ठीक कर पाओ। तो यह Realme फ़ोन एंड्रॉयड वेट हो रहा है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो चुका है ऑन और मैं यहाँ पे फर्स्ट जो कैमरा पोस्ट करके ये वीडियो को बनाता हूँ तो आप लोग भी समझ सकते हो फर्स्ट टाइम लगता है। और ये फ़ोन फॉर्मेट होने पर अब अनलॉक हो चुका है, इसमें किसी भी तरह का गूगल एंड पे पिन पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हो गया है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे FRP भी नहीं है और FRP यानी गूगल अकाउंट लॉक भी आ जाता है लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि हमने इसे फॉर्मेट किया है। फॉर्मेट करने पर यहाँ पर किसी भी तरह का जो है गूगल अकाउंट लेकिन नहीं मिला। यहाँ पर हम वाईफाई कनेक्ट करके इसे स्क्रिप्ट करेंगे और इसके पूरे सेटअप को कम्प्लीट करेंगे। यहाँ पर स्क्रिप्ट कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यू करना है और ये सेटअप आप लोग घर बैठे इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। नए फ़ोन में इस तरह से होता है जब सॉफ्टवेयर आप लोग उसे सेटअप करते हो, जिसकी सॉफ्टवेयर को हम लोग सेटअप कर रहे हैं और ये हो चुका है। अभी यहाँ पे हम लोग सेटअप कंप्लीट करेंगे तो ये हो गया। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो गया, वेलकम मैसेज आ गया और यहाँ पे ये गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। इसी तरह से आप अपने सेटअप को कंप्लीट करके अपने फ़ोन का जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड है निकाल सकते हैं।
तो ये कोड आपको मिल जाता है, कई कई फोनों में नहीं मिलता, तो आपको पीसी के थ्रू हेल्प करना होगा, नहीं तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड पता है तो दूसरे फोन में फाइंड माय डिवाइस ऐप का यूज़ करके कर सकते हो, उससे भी आप अपना फोन को रिसेट कर सकते हो उस ट्रिक से। ऐप है उसे इंस्टॉल करो, देख सकते हो रियलमी 2 3 32 है और फाइनली हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा जय हिंद।